अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी पोटैटो टाकोस की। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। ये मैं आपको बग़ैर चीज़ के बनाना सिखाऊंगी और ये हम बनाएंगे पैन में। बच्चे ये बहुत ही शौक से खाते हैं, आप इसे सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। चलें ये मज़ेदार से टाकोस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल हमने ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदे का। अगर आप हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप घर में जो आटा यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये इसमें डाल दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अगर ये है आप डाल दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स हमने कर लिया है, अब इसको हम गूंदेंगे। गूंदने के लिए हमने पानी लिया 1 कप। पानी भी आपने एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तकरीबन 1/2 कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे को हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे को हमने गूंद लिया, अब इसको कवर करके रखते हैं 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग रेडी करने के लिए हमें 1 अदद प्याज चाहिए, जिसको स्लाइस में कटिंग कर लिया। अब एक पैन ले लिया, इसमें हमने ऑयल डाल दिया 1 टीस्पून। अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ऑयल को। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को सिर्फ हमने 2 मिनट कुक करना है, ज़रा सा बस सॉफ्ट करना है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा, इसका पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ये इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। सिर्फ इसको हम 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो गए, अब इसको उतार लेंगे। अब ये मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, बॉयल किए हुए आलू, इसको हम मैश करेंगे। ये हमने मैश कर लिए। अब इसमें ये फ्राई की हुई प्याज डालेंगे और ये हमें चाहिए हसबे जायका नमक और 1 टीस्पून हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च, ये इसमें डाल देंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, ये मैंने 1 अदद हमें सब्ज़ मिर्च चाहिए, इसको बारीक छोटा छोटा कटिंग कर लिया था। इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस दौरान आप चेक कर लें, अगर आपको नमक मिर्च कम लगता है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम सॉस रेडी करेंगे टाकोस के लिए। सॉस रेडी करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मेयोनीज। मेयोनीज मैंने लिया 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल दें। अब मैंने लिया फ्रेश क्रीम, अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह घर की बलाई भी ले सकते हैं, ये इसमें डाल दें। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून हमने लिया है चिली गार्लिक सॉस। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून ये इसमें डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने लिया काले मिर्च पाउडर, ये इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब ये हमने वेजेस लिए हैं, ये मैंने खीरा लिया है, इसको बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया, उसके जो बीज हैं वो रिमूव कर दिए, ये इसमें डाल दें। ये गाजर लिया, ये भी छोटे साइज़ की मैंने गाजर ली थी, इसको भी लंबाई में कटिंग कर लिया बारीक बारीक। ये बंद गोभी लिया, ये 1/2 कप हमने लिया, ये भी इसमें डाल दें। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बड़ी क्रंची सी हमारी सॉस रेडी होगी। अब इसको हम साइड पे करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, आटा जो है हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे और इसके हम पेड़े बनाएंगे। अब नाइफ की मदद से इसके छोटे छोटे अब
अब इसको हम छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया, अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े हमने बना लिए, अब इसको हम बेल लेंगे। अब इसको हमने बेल लिया, मीडियम साइज़ की हमने शीट्स बनानी है। ये सारी शीट्स हमारी बन के रेडी हैं, टाको शीट। इसी तरह आप सारी बना लें। अब ये हमने पैन लिया, पैन में कोई भी ऑयल घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल सिर्फ इसको हम कुक करेंगे। और इसको हमने सिर्फ लाइट सा पकाना है, मतलब फुल कुक नहीं करेंगे, हाफ़ कुक करेंगे। मतलब इसका जो कच्चापन है वो हमने ख़त्म करना है। दोनों साइडों से अच्छी तरह इसको पका लेंगे, हाफ़ कुक करेंगे। ये देखें हमारी जो शीट्स हैं, टाको शीट इस तरह होनी चाहिए। अभी हम एक शीट लेंगे, अब इस पर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह केचप भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। ये सारे चिली गार्लिक सॉस हमने लगा दी है, इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर दें हर तरफ। अब ये स्टफिंग ली है, इसको लगा दें। और स्टफिंग सिर्फ हम एक साइड पर लगाएंगे, इसको अच्छी तरह फैला दें। ये अच्छी तरह हमने इसको फैला दिया। अब इस पर हम डालेंगे जो सॉस हमने रेडी की थी, टाको सॉस, ये इस पर लगा दें। इसको भी अच्छी तरह फैला दें। इसको हमने अच्छी तरह फैला दिया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें और अच्छी तरह प्रेस कर दें। सारे टाकोस इसी तरह बना लें। ये सारे टाकोस बन के रेडी हैं। अब इसको हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमें एक पैन चाहिए, पैन हमने ले लिया। इसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो इस बटर से भी बना सकते हैं, बटर से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऑयल को इस तरीके से फैला लें, नहीं तो ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह फैला दें। लेकिन ब्रश की मदद से इसको मैंने अच्छी तरह ऑयल को फैला दिया। अब इस पर टाकोस रखें, अब इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे। इस तरीके से इसको अच्छी तरह प्रेस करें ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह पक जाए। इसको भी अच्छी तरह इस तरह प्रेस करें ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। पहले एक साइड पका लेंगे, फिर इसके बाद दूसरी साइड इसकी पकाएंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह दूसरी साइड भी इसकी पका लेंगे। ये देखें इसकी दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसको हम हर तरफ से पकाएंगे, इस तरह कर लें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। सारे टाकोस हम इसी तरह ही बनाएंगे, इसी तरीके से आप अच्छी तरह पका लें। ये देखें दोनों हम इसी तरह बना लेंगे, बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। सारे टाकोस हमारे बन के रेडी हैं, अब इसको डिश आउट करते हैं। टाकोस को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। एक मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने अंदर से बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों के ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक देते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।